हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वायनेट हेल्थ। दोस्तों, सर्दियों में घुटनों के दर्द की समस्या काफी बढ़ जाती है। कई लोग इस दर्द को कम करने के लिए नियमित कई तरह की दवाइयां सेवन करना शुरू कर देते हैं। लगातार दवाइयां खाना शरीर के लिए हानिकारक होता है। कई बार लगातार दवाइयां खाने से शरीर को इसकी आदत लग जाती है, जो शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। ऐसे में अगर आपको भी सर्दी में घुटने का दर्द परेशान कर रहा है तो कुछ घरेलू नुस्खे अपनाएं, जिनकी मदद से आप अपने घुटने के दर्द की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। नंबर एक, मेथी दाना। दोस्तों, मेथी दाने के फायदों के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घुटनों के दर्द को कम करने के लिए भी मेथी दाने का इस्तेमाल किया जाता है। घुटनों के दर्द से राहत पाने के लिए मेथी दाने का पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को खाने के बाद सुबह शाम खाएं। ऐसा नियमित करने से घुटनों के दर्द की समस्या समाप्त हो जाएगी। नंबर दो, एलोवेरा। दोस्तों, एलोवेरा शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। घुटनों के दर्द के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल करने के लिए आप एलोवेरा का प्लम्प निकाल कर इसमें हल्दी मिलाकर मिश्रण बना लीजिए। अब इस मिश्रण को हल्का सा गर्म करके घुटनों पर पट्टी कर लें। ऐसा करने से घुटनों के दर्द के साथ सूजन भी कम हो जाएगी। नंबर तीन, तुलसी का रस। दोस्तों, तुलसी का रस घुटनों के दर्द को कम करने में फायदेमंद होता है। इसमें पाए जाने वाले एंटी बैक्टीरियल गुण घुटनों में आई सूजन को कम कर सकते हैं। सर्दियों में तुलसी का रस सिर्फ एक चम्मच लें। अब इस रस को आप गुनगुने पानी के साथ मिलाकर पिए। ऐसा करने से घुटनों के दर्द में आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। नंबर चार, नींबू। दोस्तों, नींबू सेहत का खजाना होता है। आपको इसका नियमित सेवन करने से कई बीमारियों से राहत मिल सकती है। घुटनों के दर्द को कम करने के लिए नींबू पानी पिए या फिर घुटनों पर नींबू का रस भी लगा सकते हैं। नींबू में पाए जाने वाला एंटी बैक्टीरियल गुण और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज घुटनों के दर्द को कम करती हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।